फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर डे। और आज मैं इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करूंगा। पहला टॉपिक रहेगा कि एलपी का वैकेंसी कब तक आ सकता है, और दूसरा टॉपिक रहेगा कि एलपी को एग्ज़ाम को निकलने के लिए कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊँगा। तो जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि एलपी की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो एलपी की वैकेंसी जल्दी आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी मतलब रिटायरमेंट वगैरह हो रहे हैं, और 70% लगभग मेरे डिवीज़न में, मैं दिल्ली डिवीज़न में पोस्टेड हूँ, नॉर्दर्न रेलवे में जो आती है, RRB चंडीगढ़ के थ्रू मेरा हुआ था। और मतलब जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, मतलब इस ईयर के लास्ट तक आप लोग को वैकेंसी देखने मिल सकती है, क्योंकि हर 4 ईयर्स में आया है वैकेंसी। और अभी बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट कराया जा रहा है जल्दी जल्दी, और अभी बहुत सारे नए एलपी लोग का ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया है। लगभग 70% लोग मेरे डिवीज़न में कंप्लीट कर लिया है ट्रेनिंग, और उन लोगों को अभी लोबी दिया जा रहा है। तो मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है। और वैकेंसी तो रनिंग कैटेगरी की हमेशा आएगी, क्योंकि रनिंग स्टाफ को बहुत ज़रूरत है इंडियन रेलवे में, क्योंकि हम लोग रनिंग स्टाफ ही मतलब के चलते हैं, और रनिंग स्टाफ का कैटेगरी बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन रेलवे में। तो इससे इस कैटेगरी के लिए हमेशा वैकेंसी आएगा, तो आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, और आप लोग जो एम को फोकस किए हैं उसी पे पूरा फोकस रहिए। जैसे आप लोगों को माइंड में ये रखना है कि इस वैकेंसी में एक सीट मेरे लिए है, और उसको हमेशा फोकस करके आप लोग तैयारी करिए, और हमेशा ये सोचिए कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, तभी आप लोग हमेशा सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के साथ कवर करूंगा कि एलपी को एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको कैसे तैयारी करना है। तो आपके भाई के लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, और आपके भाई के चैनल में 646 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी एलपी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि एलपी की वैकेंसी का एग्ज़ाम को आपको कैसे निकालने के लिए तैयारी करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस उसको पढ़िए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड मैं इस टॉपिक में कवर करूँगा, आपको बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो आप लोग सबसे पहले सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि साइंस रिलेटेड क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस है, करंट अफेयर 1 ईयर या 2 ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कर रही है, और 1 ईयर सफिशेंट है, 1 ईयर को ज़्यादा फोकस करके चलिएगा, क्योंकि जो करंट होता है उसी से ज़्यादा पूछा जाता है। और आप लोग मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते रहते हैं सेट में, तो इससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में, आप पूरा कॉन्फिडेंटली बैठेंगे। कोई सा भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देता भी है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इससे आपका प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मैं डेली 1 सेट या 2 सेट लगाता था, और उसमें जितने भी मेरे नंबर आते थे हमेशा 70 या 60+ ही आते थे, 70+ भी आते थे फिर प्रैक्टिस करने लगा अच्छे से। तो आप लोग भी अगर नंबर शुरू में कम आएंगे तो उससे डरिएगा मत, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। और सिलेबस को आप लोग पढ़िए पहले, मैं सिलेबस का भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। और एलपी का जो भी आपको जो प्रोफाइल जानना है कमेंट करिएगा, जो भी कमेंट करिएगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा। और आप लोग
मैथ को ज़्यादा अभी तैयारी करिए और रीजनिंग को लेकर के, क्योंकि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसी से आपका स्कोर कवर होगा। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा और फिर करंट अफेयर रोज़ नोट्स बनाइए देख करके, जो भी आप वीडियो देखते हैं एक कॉपी में नोट्स बनाइए, जैसे आज कौन सा डे है तो उसके अकॉर्डिंग आज डेट लिख करके, और जो भी इम्पोर्टेंट आपको करंट अफेयर लगेगा दो चार चैनल को देख करके आप लोग करंट अफेयर का एक नोट्स बना के रखिए अपना खुद का, क्योंकि आपको रिवीजन करने का टाइम बहुत कम टाइम मिलेगा, तो आप इजली रिवीजन कर पाएंगे। तो ऐसे आप लोग करंट अफेयर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग कर पाएंगे अच्छा, आप लोग स्कोरिंग कर पाएंगे एग्ज़ाम। तो पहला काम है कि आप लोग अपना आइस का चेकअप जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि LP बनने के लिए 6x6 विज़न मस्ट है, तभी आप LP बन पाएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आइस का रोल है इसमें। तो आप लोग ज़रूर अपने आइस चेकअप करवा के ही तैयारी करिएगा। तो LP के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे कमेंट करिएगा, और हमेशा मोटिवेट रहिए, क्योंकि वैकेंसी तो आएंगे, रनिंग कैटेगरी का हमेशा वैकेंसी खाली होते जाता है, और बहुत सारे जिसके मतलब अदर एग्ज़ाम में निकल चुके हैं उन लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे में वैकेंसी खाली हो रही है, तो जल्दी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगा इस साल। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और मैं मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग अपने भाई को सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिएगा, ज़रूर करिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और अच्छा से बना पाऊँ, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो जो भी LP की तैयारी कर रहे हैं हमेशा तैयारी करते रहिए, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज़ बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।